राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल होने वाला है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लड़ाई अब घर के बाहर आ चुकी है। गहलोत शुरू से ही पायलट को ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं। गांधी परिवार से नजदीकी दिखाकर गहलोत ने पहले तो सीएम पद की कुर्सी हासिल कर ली और पायलट को मजबूरन डिप्टी सीएम बनना पड़ा। इसके बाद से दोनों में मतभेद बरकरार है। अब गहलोत चाहते हैं कि पायलट राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं रहे, लिहाजा उन्होंने आलाकमान के सामने इस बात को तर्कों के साथ रख दिया है। सीएम अशोक गहलोत राज्य में अपने पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं। अब मामला सामने आने के बाद सचिन पायलट ने भी गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट ने साफ कहा है कि मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर रहूं या ना रहूं, ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तय करना है, ना कि अशोक गहलोत को। उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए लड़ाई की है, उन्हीं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर हमें रहना है या नहीं, इसे सोनिया गांधी तय करेंगी। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का मैंने बीड़ा उठाया है। जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की और पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उनका मान सम्मान रखना और उनके हितों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। वहीं पायलट ने एक तस्वीर के जरिए भी गहलोत को आगाह करने की कोशिश की है। दरअसल पायलट ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वो साफा बांधे गाड़ी के स्टेयरिंग थामे लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इसे पायलट की ओर से पार्टी और मुख्यमंत्री को ये साफ संदेश माना जा रहा है कि वो ड्राइविंग सीट पर ही रहना चाहते हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों में से सोनिया गांधी के सामने किसकी चलती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई बाहर आने से बीजेपी का खेमा खुश जरूर होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजों के बाद शिवसेना ने बीजेपी से दगाबाजी कर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और बीजेपी विपक्षी पार्टी बन गई। जबकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, अगर शिवसेना बीजेपी का साथ नहीं छोड़ती तो देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के सीएम होते, लेकिन शिवसेना की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इस बात का मलाल पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को आज भी है, क्योंकि उन्होंने अब बीजेपी ने शिवसेना को धोखा देने की कभी नहीं सोची। अब देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा किया है। फडणवीस ने दावा किया कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 2 साल पहले बीजेपी से हाथ मिलाना चाहती थी जब वो मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि पुणे में मीडिया को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी 2 साल पहले हमारे साथ आना चाहती थी, इसी संबंध में बैठकें भी हुई थी, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया था कि बीजेपी शिवसेना की सहमति के बिना ऐसा नहीं कर सकती है। फडणवीस ने दावा किया कि उन्होंने और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कहा कि हम कांग्रेस को अलग थलग करना चाहते हैं, लेकिन हम शिवसेना का भी साथ चाहते हैं। अगर वो इसके लिए तैयार है तो हम एनसीपी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। फडणवीस ने कहा कि चूंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं का ये रुख था कि वो शिवसेना को अलग करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बात काफी आगे बढ़ने के बावजूद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। गौरतलब है कि फडणवीस के इस खुलासे के बाद शिवसेना की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि महाअघाड़ी गठबंधन में समय समय पर खींचतान देखने को मिलती रहती है। कभी शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज हो जाते हैं तो कभी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। ऐसे में अगर शरद पवार फिर से बीजेपी की ओर हाथ बढ़ा दिया तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाना तय है। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर गलती से भी गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस में रहना है तो गांधी वाड्रा परिवार की चापलूसी करनी होगी। संजय झा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। वो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, लेकिन उन्हें पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने 2 ऐसे लेख लिखे जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ माने गए। हालांकि अब संजय झा ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है और अपनी भड़ास निकाली है। झा ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की, वो सारी कोशिशें करता रहा जिससे कांग्रेस मजबूत हो। उन्होंने कहा कि 2012 में कांग्रेस को सोशल मीडिया पर लाने वाला भी मैं ही हूँ। संजय झा ने आगे कहा कि 5 साल के दरमियान कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा चुनाव हार गई, दोनों चुनाव मिलाकर भी पार्टी 100 सीट तक नहीं पहुंच पाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हर जगह पार्टी चुनाव हार रही है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी ने 15 साल बाद 2019 में किसी तरह सत्ता में वापसी की, लेकिन 1.25 साल के अंदर उसे इसलिए सत्ता गंवानी पड़ गई कि पार्टी आलाकमान को ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे प्रभावी नेता से बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक कांग्रेसी होने के नाते अगर मैंने अपनी चिंता जाहिर की तो इसमें गलत क्या है।
संजय झा ने कहा कि सच ये है कि पार्टी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिस पर अपनी बात रखी जा सके। पार्टी में मेरी तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से बात होती रहती है, सभी मौजूदा वक्त में निराश हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोलकर जोखिम नहीं उठाना चाहता। फिर मैंने सोचा कि मैं ही जोखिम उठाता हूं। अपने लेख के बारे में संजय झा ने कहा कि मैंने गलत क्या किया, मैंने यही लिखा कि कांग्रेस को बदलना होगा। अगर इसको लेकर सोनिया जी नाराज हो जाती हैं तो मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर एक मंडली है जिसका पार्टी पर कब्जा है, वो पार्टी को बदलने नहीं दे रहे हैं, अच्छे लोगों को ऊपर आने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल संजय झा ने तो सच बोलने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी नेता को वही बोलने की इजाजत है जो गांधी वाड्रा परिवार को पसंद आए। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में शिवसेना काफी मुखर है। शिवसेना चीन को करारा जवाब देने की बात करती है और बात बात पर चीन को ललकारती रहती है। शिवसेना ने केंद्र और मोदी सरकार से भी अपील की है कि अब समय आ गया है चीन से बदला लेने का, लेकिन चीन से औद्योगिक निवेश करार को लेकर भ्रम की स्थिति में है। उद्धव सरकार इस बात का फैसला नहीं कर पा रही कि चीन के साथ करार रद्द किया जाए या नहीं। बीते दिनों ऐसी खबर थी कि शिवसेना ने चीन के साथ करार को खत्म कर दिया है, लेकिन ये अफवाह थी। महाराष्ट्र उद्योग विभाग की माने तो चीन के साथ करार रद्द करने की कोई योजना नहीं है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि चीन के साथ हुए करार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देसाई ने साफ किया कि इस संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय का पालन किया जाएगा, मतलब साफ है कि शिवसेना इस मामले में भ्रम की स्थिति में है, राज्य सरकार से कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। दरअसल बीते 15 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मैग्नेटिक महाराष्ट्र कैंपेन में कुल 16,000 करोड़ रुपए का करार हुआ था। इस करार में चीन की 3 कंपनियां भी शामिल हैं जो राज्य में करीब 5,020 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। अब चीन के साथ बिगड़ते हालात को देखते हुए न सिर्फ मौजूदा निवेश करार बल्कि पुराने करार को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि उद्धव सरकार चीनी कंपनी के साथ डील कैंसिल करे, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत इस करार को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारिक संगठन कैट ने भी उद्धव सरकार से करार रद्द करने की मांग की थी, तो वहीं उद्धव सरकार में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि चीन से खराब रिश्ते के बाद जो करार हुए हैं उसको रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी ओर एनसीपी के नेता आवास निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ रुख अपनाया है, लेकिन जब महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों के साथ हुए निवेश करार पर उंगली उठाई जाने लगी है तो शिवसेना ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। सवाल है कि इस वक्त जब देश चीन को सबक सिखाने की ठान ली है, रेलवे ने पहले ही करार रद्द कर चीनी कंपनी को झटका दी है, तो सीएम उद्धव ठाकरे चीनी कंपनी के साथ डील कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अंदरूनी कला से जूझ रही है। जिस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है वहां गुटबाजी चरम पर है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब राजस्थान में भी वही एपिसोड शुरू हो गया है, और अगर ऐसे ही हालात चलता रहा तो राजस्थान में भी कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है और दोनों नेताओं के बीच का झगड़ा अब खुलकर बाहर आ गया है। दरअसल राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज है और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी दो खेमों में पड़ गई है। एक वर्ग डिप्टी सीएम सचिन पायलट को ही प्रदेश अध्यक्ष पद फिर से मिलने की अटकलें लगा रहा है, जबकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को हटाकर अपने करीबी को अध्यक्ष पद दे ताकि संगठन पर भी उनकी पकड़ बनी रहे। दूसरी तरफ सचिन पायलट अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में सचिन पायलट का इस मामले में बयान आया है। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है, किसको क्या काम देना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है, किसका कहां उपयोग करना है उसका उपयोग करते रहते हैं, चाहे संगठन का हो या सरकार में काम देना, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है और लेती रहेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने 6 साल में जो काम किया उससे ही आज हम सरकार में बैठे हैं, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अब हम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक शासन दे जिसकी उम्मीद जनता हमसे करती है। ऐसे में साफ है कि सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिससे गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है और अगर गहलोत को हटाकर पायलट को सीएम नहीं बनाया गया या अध्यक्ष पद उनसे छीना गया तो मध्य प्रदेश में जो हुआ वो राजस्थान में भी हो तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है।
पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र में नई गर्माहट ला दी है। आपको बता दें कि फडणवीस ने दावा किया था कि शरद पवार ने 2 साल पहले मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का ऑफर दिया था। फडणवीस के इसी बयान से महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। उधर कांग्रेस के साथ पहले से शिवसेना की रस्साकसी चल रही है। महाराष्ट्र की सियासत में इस बयान के मायने क्या है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल एक मराठी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा कि एनसीपी 2 साल पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहती थी जब मैं मुख्यमंत्री था। फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी 2 साल पहले ही बीजेपी के साथ आना चाहती थी, इस सिलसिले में बैठकें भी हुई थी। फडणवीस ने हालांकि ये भी कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया था कि शिवसेना की रजामंदी के बिना ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। अब सवाल है कि शरद पवार बीजेपी से क्यों मिला सकते थे हाथ। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि फडणवीस की बात में इसलिए दम दिखता है क्योंकि उस दौर में शिवसेना और बीजेपी में जबरदस्त अनबन चल रही थी। ऐसे में एनसीपी को सत्ता में आने का मौका मिल सकता था। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार की चालों को समझना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ फडणवीस के इस बयान से शिवसेना की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि फडणवीस का बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाविकास अघाड़ी में शक्ति संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। उधर सरकार में शामिल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार के फैसले में कांग्रेस की भूमिका नहीं है। इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना में तीखी बयानबाजी हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान ने सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा तो शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कांग्रेस को खूब सुनाया। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भले ही बना ली हो लेकिन दोनों पार्टियों के बीच वैचारिक मतभेद उभर आते हैं। वीर सावरकर से लेकर कई मुद्दों पर शिवसेना और कांग्रेस के बीच विचारधारा के मतभेद देखने को मिल जाती है। राज्य में इस बात की चर्चाएं समय समय पर होती रहती है कि महाविकास अघाड़ी के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अटकलों का बाजार पिछले महीने ही शुरू हो गया था जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। हालांकि बाद में शिवसेना के नेता संजय राउत ने पवार की राज्यपाल से मुलाकात को एक गैर राजनीतिक भेंट बताया था, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी खेमे में खलबली मच गई है। दल बदल का खेल अभी से ही शुरू हो गया है। लालू परिवार के मनमानी से नाराज आरजेडी नेता पार्टी का दामन छोड़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 5 विधान पार्षद आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सूत्रों के माने तो अभी ये खेल शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में और भी कई दिग्गज पार्टी छोड़ सकते हैं। आरजेडी छोड़ने वाले पार्षदों में एमएलसी संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधा चरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय के नाम शामिल हैं। दरअसल ये सभी पिछले कई दिनों से लालू के बेटे तेजस्वी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। विधान पार्षदों के जेडीयू का दामन थामने के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी कई विधायक और हैं जो आरजेडी छोड़ सकते हैं। वहीं जेडीयू और बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव के पहले ही आरजेडी के कई विधायक पाला बदलकर उनकी तरफ आ सकते हैं। जेडीयू के नेताओं ने ये तक दावा किया है कि आरजेडी के ज्यादातर विधायक तेजस्वी के नेतृत्व से नाराज हैं और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम रघुवंश प्रसाद सिंह का हो सकता है। बीते दिनों उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पार्टी में उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता बाहुबली रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर नाराज है। ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी आने वाले समय में आरजेडी को छोड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी में एमएलसी चुनाव को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव विधान परिषद जाना चाहते हैं, जिससे आरजेडी के कई नेता नाराज हैं। पूर्व विधायक भोला पासवान के समर्थकों ने भी राबड़ी देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हाल ही में आरजेडी की जैसी स्थिति है, इससे तो यही लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही आरजेडी बिखर जाएगी। भारत ने चीन पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर भारत की सख्ती के बाद अब चीन का रुख नरम होता दिख रहा है। चीन अब पीछे हटने को तैयार हो गया है। ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी खींचतान को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने किया था। एलएसी के दूसरी ओर चीन के हिस्से में मोल्डो इलाके में दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। ये बैठक करीब 12 घंटे के बाद खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की मीटिंग सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। तनाव वाले क्षेत्र से दोनों पक्ष सेना हटाने को लेकर सहमत थे।
पूर्वी लद्दाख में जिन जिन जगहों पर गतिरोध है वहां डिस एंगेजमेंट कैसे किया जाएगा इसकी प्रक्रिया पर बात हुई। लद्दाख के फिंगरपुर पर चीन के सैनिकों के जमावड़े पर कड़ा एतराज जताया था। भारत ने चीन से साफ कहा कि इस इलाके से ड्रैगन को अपने सैनिकों को हटाने ही होंगे और उसे अपने पूर्व की स्थिति पर लौटना होगा। आपको बता दें कि भारत ने चीन के विरोध के बाद भी लद्दाख में अपनी सीमा में तेजी से सड़क बना रहा है जिसको लेकर चीन को मिर्ची लगी है और वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हालांकि चालबाज चीन से पिछले दिनों भी बातचीत हुई थी लेकिन उसके बाद भी उसने लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया। घटना में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे वहीं 43 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।